नमस्कार बच्चों, लीजिए आज हम त्रिकोणमिति में दसवीं के आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, यदि x बराबर r साइन a कास सी, y बराबर r साइन a साइन सी और z बराबर r कास है, तो सिद्ध कीजिए कि r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको आप दिया है, मैं करके लिख लीजिए। ये दिया है x बराबर, y बराबर और ये z बराबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण में आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यानी इन समीकरणों का हमें दोनों पक्ष में वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ समीकरण 1, 2, 3 का वर्ग करने पर। चलिए इसका पहले का हम वर्ग करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर हो गया पहले का, राइट साइड में क्या होगा, आर का स्क्वायर इसका भी होगा, फिर साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर सी। ये देखिए यहाँ पर तीनों का वर्ग हो गया। इसी तरह से दूसरा का किए तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, ये हो गया। तीसरा का जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और कास स्क्वायर ए। अब हम दाया पक्ष आ जाते हैं, दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष में आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इन तीनों को हमें जोड़ना है। अतः समीकरण 1, 2, 3 से तीन हो गया, इसको हम दे दिए 4, 5 और 6 से, समीकरण 4, 5 और 6 से। चलिए इनको जोड़ देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दिए तो आपका एक पक्ष आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, राइट साइड को भी जोड़ दीजिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर कॉमन कहाँ कहाँ ले सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इस दोनों में है, इसको कॉमन कर देते हैं। ये देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इसको कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर सी और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर सी और यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर सी, इसको हम कॉमन कर दिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन कर दिए, तो हमारा बच गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी और प्लस ये वाला बचा हुआ है ये वाला, इसको हम फिर लिख देते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अब यही भाग बच गया इसके बराबर तो 1 हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया इसके बराबर 1 हो गया। अब हम इसको 1 कर दिए तो हमारा बच गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये वाला भाग बच गया प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखिए यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए आर स्क्वायर, अब क्या बच गया साइन स्क्वायर ए, ये आर स्क्वायर बाहर चला गया ये, तो ये बच गया यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये भी उसी तरह से है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका बराबर भी 1 है, तो बराबर आर स्क्वायर जो आपका है एल एच एस है। अतः ये सिद्ध हुआ आपका ये समीकरण। अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ये और महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। सिद्ध यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, तो हमारा सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर ऋण एन स्क्वायर बराबर 4√mn। तो इसमें हमको ये भाग को देखना है पहले, और इसके लिए हम एम टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एन, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, तो हमको लाना है पहले तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो एम माइनस एन कर लेते हैं पहले। तो हम ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे एक बार और एक बार घटाएंगे। चलिए क्यों ऐसे करेंगे इसके बारे में फिर बताऊंगा।
सबसे पहले जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। राइट साइड देखिए, इधर लिख दिया मैं एम प्लस एन। अब ये भी इसको हम जोड़ के रखेंगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा, टू टेन थीटा यानी टू टेन थीटा। अब हम इसको फिर एक बार घटाएंगे, एक और दो को घटाने पर, एक बार जोड़े एक बार घटाए, चलिए घटाने पर एम माइनस एन हो गया बराबर टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, इसको स्टक को खोल दिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए कोष्टक खोला तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया जो प्लस में था। अब ये कौन सा घट रहा है, टेन थीटा खत्म हो गया, अब ये बच गया हमारा टू साइन थीटा। अब ये एक बार जोड़े और एक बार ये घटाए तो ये क्या है, एम प्लस एन और एम माइनस एन बराबर होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है। तो इसको हम ले लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं और इसके बराबर हम ले लेते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। ये जो लास्ट लास्ट में उत्तर आया है टू टेन थीटा और टू साइन थीटा, ये दोनों लास्ट में गुणा हो जाएगा, टू टेन थीटा और टू साइन थीटा बराबर दो दूने चार टेन थीटा साइन थीटा आ गया। अब ये एक भाग हो गया। अब हम राइट साइड में आ जाते हैं कि ए एम ये है एम गुणित एन, तो इन दोनों को फिर गुणा कर देते हैं पुनः एम गुणित एन कर लेते हैं। चलिए बराबर क्या होगा, इधर हमारा एक और दो का गुणा करने पर तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे गुणित टेन थीटा ऋण साइन थीटा राइट साइड का ये। अब इसको हम गुणा करते हैं, ये हो जाएगा टेन का टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ये इससे गुणा होगा तो साइन थीटा टेन थीटा और इसका हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए टेन थीटा साइन थीटा प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये एम गुणित एन है, टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम फिर बदल देते हैं। चलिए टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए पर मिश्र भिन्न को, साइन स्क्वायर थीटा ऋण इसके साथ इसका गुणा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बटे आपका कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, कॉमन कर दीजिए, यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कास स्क्वायर थीटा। कॉमन कर दिया, साइन को बाहर ले गया बटे कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाता है, इसके हम
आगे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, वन ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इसका और इसका ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न में था फोर कर्णी एम एन, हम अभी एम एन प्राप्त किए हैं फोर कर्णी एम एन, तो हम इसके साइड में भी फोर कर्णी एम एन गुणा कर देते हैं, फोर ये एम एन के बराबर है, ये हो जाएगा साइन कर्णी के अंदर में लिख दिए, ये हो गया। अब इसमें फोर का फोर ये क्या हुआ, इसके बराबर आपका हो जाता है वर्ग है दोनों, चलिए एक स्टेप पावर में बढ़ा देता हूँ, कर्णी साइन थीटा इसका हो जाएगा साइन थीटा और इसका आ जाएगा टेन थीटा, इसको साइन थीटा प्लस इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, तो किसी का वर्ग रहेगा तो उसका एक भाग बाहर आ जाता है, यानी फोर साइन थीटा टेन थीटा, यानी आप देखेंगे ये एलएचएस में भी आपका फोर साइन थीटा का टेन थीटा आया है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यही हमको सिद्ध करना है। तो धन्यवाद बच्चों, आगे हम फिर से देखेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।